नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कम्प्लीटली बात करने वाले हैं यूपी पीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपका एग्ज़ाम डेट जो है, तो इसमें पहले ही बता दिया गया है कि दिसंबर 2018 के सेकंड वीक में आपका एग्ज़ाम होगा और एडमिट कार्ड बहुत जल्दी जारी हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा इसमें कुछ मुख्य टॉपिक जो आपके जानना बहुत ज़रूरी है। पर उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ में वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यूपी पीसीएल का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपी पीसीएल का फुल नेम है। असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर आप सभी को रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो अप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट होगा यहाँ पर बताया गया है 6 नवम्बर 2018 को, और लास्ट डेट आपकी 30 नवम्बर रहने वाली है। साथ में लास्ट डेट फीस पेमेंट की सेम रहेगी। और एडमिट कार्ड की बात करें तो अभी अवेलेबल नहीं है, बट एग्ज़ाम डेट जो है तो सेकेंड वीक ऑफ 2018 का रखा गया है, तो फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जैसे एडमिट कार्ड आएगा मैं वीडियो तुरंत ही अपलोड करूंगा। जनरल और ओबीसी के लिए 1000 एप्लीकेशन फीस। आपका इसमें जो सैलरी पैक है जो बहुत अच्छा रखा गया दोस्तों, 56,100 रुपये से आपका स्टार्टिंग होगा। अंदर नोटिफिकेशन ओपन करके बताने वाला हूँ, इसलिए जनरल के लिए ओबीसी के लिए फीस ज़्यादा हाई रखी गई है। एंड एसटी एससी के लिए 700 रुपये, पीएच कैंडिडेट वालों के लिए 10 रुपये, और आपको ऑनलाइन जो है तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से पे करनी पड़ेगी फीस। टोटल पोस्ट की बात करें तो 299 पोस्टों पर आप सभी को यहाँ पे पद हैं। और ट्रेड आपको बता दें तो इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और सिविल वाले अप्लाई कर पाएंगे। जनरल में बात करें इलेक्ट्रिकल की तो 132 और ओबीसी की 31 और एससी की 17, एसटी के लिए 0। इस तरह से टोटल 182 पोस्टें हैं। साथ में आप कंप्यूटर साइंस है तो जनरल के लिए 19 और ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 1 पोस्ट रखी गई। इस प्रकार टोटल 40। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन मान सकते हैं आप लोग, तो जनरल के लिए 26, ओबीसी के लिए 20 और एससी के लिए 14 और एसटी के लिए 1 को। इस तरह से टोटल 61 पोस्टें हो जाती हैं। सिविल वालों के लिए बात की जाए तो 12 पोस्टें जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 5 और एससी के लिए 1, और इस तरह टोटल आपकी 18 हो जाती है। एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो बी बीटेक आपका मांगा गया है। कैंडिडेट शुड हैव सफिशियंट नॉलेज होना चाहिए हिंदी और देवनागरी लिप में। और एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 वर्ष एंड आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। एज आपकी 1/7/2018 से काउंट होगी, एक्स्ट्रा पर आपको छूट मिलने वाला। तो चलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और आपको नोटिफिकेशन को बता देते हैं किसको कितना छूट मिलने वाला है। तो हमारा डाउनलोड हो चुका है नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन का मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप लोग सिंपली वहां से चेक कर पाएंगे। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी है टोटल, जो मैंने बता दिया सेम टू सेम। यहां पे आप लोग सैलरी, जैसे कि मैंने 56,100 रुपये बताया था, यहाँ पर मैट्रिक्स मिनिमम है ये, आपको मतलब कम से कम आपको इतना मिलेगा। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन बताया गया है और एज बताया गया यहाँ पे 41, मतलब कि 21 से लेकर 40 वर्ष तक। आपको रिलैक्सेशन बताते हैं कितना मिलेगा। ये देखिए 5 साल का आपको रिलैक्सेशन है एसटी एससी में, तो आप लोग 5 साल का रिलैक्सेशन, और ओबीसी वालों के लिए भी है, तो इस तरह से 45 साल हो जाता है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।